फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप, ये है हमारे ड्रेसिंग का कुछ एरिया। एक छोटा सा यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ हम आज करेंगे ड्रेसिंग के एरिया का कुछ मेकओवर, और कुछ मैं आपको हैक्स बताऊंगी कि हम और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और वो भी हम अपनी हैक्स करेंगे अपने जीरो बजट में, सिर्फ आलतू फालतू घर की जो भी हमारा वेस्ट बॉक्स वगैरह जो कुछ भी हमारे पास पड़ा होगा उससे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला हैक हमारा ये होगा फ्रेंड्स कि हम ये ऐसे अपने घर की सारी कोने लेते हैं, और ये जैसे टूथब्रश का पहला हैक है हमारा, टूथब्रश का। इस पे हमने थोड़ा सा डिटोल या कोई सा भी हैंड वॉश लिक्विड मैंने लगा लिया है, और इससे हम अपने पानी से लगा के थोड़ा सा, और हम इसको इस तरह क्लीन करेंगे। तकरीबन हमारे ये कोम होते हैं थोड़े दिन के बाद गंदे हो जाते हैं, ये देखिए इनके अंदर से अच्छे से हमारे क्लीन हो जाएंगे कोम इस तरह। दोनों बाकियों को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो एक पहला है हमारा टूथब्रश का है कि टूथब्रश जब हमारे काम ही नहीं रहते तो हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए ऐसे इन कामों में यूजेबल है। अब इनको हम अच्छे से वॉश कर लें। टू नंबर हैक्स ये है फ्रेंड्स की, ये देखिए ऐसे हमारे पास, मेरे पास कुछ बॉक्स पड़े हैं, जैसे हमारे स्वीट्स वगैरह के होते हैं वैसे ही ये वॉच वगैरह या कुछ और हमारा एक्सपेंसिव इसमें सामान वगैरह आता है। तो इनको हम कुछ इस तरह हैंग करेंगे। इस साइड से पहले मैंने इधर डबल साइड टेप लगा दी है, और फिर हम इसको थोड़ी और कील से इनको दीवार के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इन पे कोई कलर नहीं करा मैंने, ये बिल्कुल इधर दीवार के पास ये बिल्कुल इनको अटैच कर दिया है दीवार से। इनमें कुछ पेंट नहीं करा, इनका कलर ही बहुत अच्छा था पहले से ही। अब क्या करेंगे, जो जो हमारी छोटी आइटम है वो हम इसके अंदर रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सामान हम कितना सामान इन दो बॉक्स के अंदर ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये हमारी ड्रेसिंग में साइड बॉक्स बन गई। ये देखिए इस तरह मैंने ये वाले वुडन के जो हमारी पुरानी बेड थी उसके जो ड्रॉर थे उनके बेड नहीं बनवा ली, तो उसके भी ऐसे बॉक्स मैंने कारपेंटर से अटैच करवा लिए। तो उस पर भी देखिए ऊपर भी सामान रख सकते हैं कितना, और ऐसे हम अंदर भी कितना सामान रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने इस साइड अपने ये दोनों कार्डबोर्ड के बहुत ज्यादा मजबूत है, और हमने इनको कील ठोक के और ज्यादा मजबूती का काम कर दिया, तो इनको गिरने का डर नहीं है। तो चलिए अब फ्रेंड चलते हैं तीसरे हैक के पास। तीसरा हैक्स ये है फ्रेंड्स कि इस तरह मैंने ना हम अपनी कोई भी वेस्ट जीन है उसको जो कि बिल्कुल काम की नहीं है, फट चुकी है, उसकी मैंने इस तरह पॉकेट उतार ली है। उसको हम क्या करेंगे कि इधर बोर्ड लगा हुआ है स्विच, तो इस पे हमने फ़ोन लगाना है, तो फ़ोन के लिए इधर कोई जगह नहीं है पास में, तो यहाँ क्या करेंगे हम अपनी इस पॉकेट को अटैच कर देंगे ताकि हम फ़ोन चार्ज लगा के अपना फ़ोन इस पॉकेट में डाल सकें। Thank you.
हमारा ये है कि ऐसे मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उस पे कुछ हम ऐसे कपड़ा सा मैंने अटैच कर दिया है, और इधर ये टॉयलेट पेपर का रोल जिसको भी हमने बिल्कुल नहीं फेंका, ये देखिए, और इसको हम इस पे अटैच कर देंगे, वो इधर हमारा कपड़ा भी गोल्डन है, और इसको मैंने स्प्रे पेंट कर दिया थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये हमारा इसलिए कि जैसे हमारी कोई भी रबड़ वगैरह है तो हम इस पे से रख सकते हैं, तो वो हमारे गुम होने का, इधर उधर फेंकने का डर नहीं रहेगा, ये देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, ऐसे ये कर्टन का रिंग्स है, इसको भी डेकोरेट करके हम अभी इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, तो ये भी हमारा सुंदर लगेगा, ये देखिए। और हम अभी भी इसमें कितनी अपनी हेयर बैंड, अपनी रबर डाल सकते हैं। फाइव नंबर है क्या फ्रेंड्स, ये जैसे पेन का कवर है, तो इसको भी हम यूज करेंगे, इस पे की रिंग वगैरह डालने के लिए हमारे किस तरह काम आता है देखिए। तो फ्रेंड्स इस साइड मैंने ग्लू गन लगा दी है, और इसको अब हम दीवार के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, नीचे की ग्लू अच्छे से सूख चुकी है, अब हम इस पे की चैन, अपनी कीज वगैरह कुछ भी टांग सकते हैं, ये हमारा परमानेंट इस पे चिपक गया है। इस तरह हमें पेन के कैप को भी ऐसे वेस्ट समझ के फेंकना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिफ्थ नंबर हैक्स, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं हम हमारे सिक्स नंबर हैक की तरफ। सिक्स नंबर हैक हमारा ये है फ्रेंड कि ये लेडीज के पास, हर लेडीज के पास कंपैक्ट पाउडर होता है, तो ये खत्म होने के बाद मैं क्या करती हूँ कि इसकी जो ये खाली डिब्बी है उसका ये स्पंज है, इसको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसमें हमारा हैंड वॉश का लिक्विड ये पुन डाल लिया, और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। और अब इसमें क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा हम हेयर रिमूवर, वो नेल रिमूवर डालेंगे, देखिए जब भी हमने इसको यूज करना है, इस तरह नेल रिमूवर डाल के इसको स्पंज से लगा के, और हम इसे अपने घर की बोर्ड वगैरह अच्छे से क्लीन करेंगे। तो नेल रिमूवर से ये हमारे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये स्पंज भी हमारे इस तरह काम में आ जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए, स्पंज से और रिमूवर से हम ये अपना ड्रेसिंग भी क्लीन कर सकते हैं, देखिए सारे ये दाग धब्बे से उतर जाएंगे। अब सेवन नंबर हैक्स है फ्रेंड्स, ये हमारा जैसे मेरा लिपस्टिक का बॉक्स है, मिनी लिपस्टिक का, तो इसकी ये कुछ सूख चुकी हैं, और कुछ का कलर हमें वैसे ही अच्छा नहीं लगता, तो ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरह ये बॉक्स भी हमारे बहुत कम आएगा। तो ये देखिए जैसे ये नीडल्स है हमारी मशीन वगैरह की है, या इस तरह हम ये स्पंज में अटैच करके इनको रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा, हमारी मशीन की और दूसरी वाली सुइयां रखने के लिए इतनी काम की चीज है।
सारी सुइयां हम इसमें अच्छे से डाल सकते हैं। और ये हम ना अपने छोटे स्टड वगैरह या रिंग्स वगैरह के लिए भी इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। फैंसी देखिए, अब सारी डल चुकी, अब हमें जैसे जरूरत होगी हम ये निकालिए लेंगे। तो ये हमारा देखिए सुई रखने के लिए कितना यूजफुल है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 8 नंबर हैक्स हमारा ये है कि ऐसे जो हमारे हेडफोन्स होते हैं फोन्स के, उन पे ऐसे तारें ऐसे उलझी होती है, तो इनको रोल करके पहला तो हम इन पे अपनी ये रबड़ बैंड लगाएंगे छोटी वाली, और इसको अच्छे से करके, और इनको ये देखिए ऐसे रोल करके हम इनको ऐसे, और इनको रखने की भी मैं बोर्ड के पास आपको जगह बताऊंगी कि इनको हम अपनी प्रॉपर जगह पे कैसे रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैबरी का या कोई भी हमारा छोटा सा एक हल्का सा बॉक्स ले लो, कोई भी क्रीम वगैरह का डिब्बा या कुछ भी, तो ये था मेरे पास। इसके क्या करेंगे, आप पीछे डबल साइडेड टेप लगा देंगे, और इसको अब हम अपने बोर्ड के पास इसको अटैच कर देंगे। देखिए अब यहाँ हम अपनी हेडफोन वगैरह, हल्के होते हैं ये भी तो कोई इसका गिरने का कोई डर नहीं। ये देखिए तो ये स्पेस बन गई है हमारी हेडफोन या कोई भी अपना छोटा माइक वगैरह रखने के लिए फोन के पास ही। तो आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो कोई लेस वगैरह या कलर वगैरह करके, बट ये सिंपल भी अच्छा लग रहा है। कोई भी बॉक्स छोटे साइज में लो और ऐसे अपने फोन के पास ही अपने ईयरफोन रख लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स 9 नंबर हैक्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जैसे ये छोटे चपाती बॉक्स का एक, ये ना कुछ हमारे डिब्बे होते हैं ना मिठाइयों वगैरह के या और है कुछ, ये इनका ये कार्डबोर्ड होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो ये जल्दी से टूटने का डर नहीं रहता। अब इस पे क्या करेंगे, या तो कलर कर लेंगे और या इसको आप ऐसे सिंपल ही रख सकते हो। इसकी अपन ये वाली साइड है ना जो कटर से निकाल लेते हैं, जिससे कि क्या ये हमारा बॉक्स बन जाएगा जिसपे हम छोटा मोटा अब सामान हमारा जो रह गया है बिंदी वगैरह जो कुछ भी है, तो छोटी मोटी और भी एक्स्ट्रा सामान है जो फाउंडेशन वगैरह लिपस्टिक नेल पेंट वगैरह जो कुछ बच गया है उसको हम अब इस बॉक्स में सेट कर लेंगे। तो देखिए किस तरह इसको कट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो इस तरह मैंने ऊपर का पोर्शन कट कर लिया है, और ये जो ऊपर का बॉक्स निकला इसको फिर हम ज़्यादा मजबूती के लिए इसके अंदर ही फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके कवर के लिए मैंने छोटे वाले बेटे की जो कि वेस्ट पड़ी थी टी शर्ट, उसके कवर इसका बनाएंगे इस तरह। देखिए इसके ऊपर बिल्कुल ये फिट आ रही है, और ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर की तरफ कर देंगे। एक बार हम इसका कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं, ये देखिए अब ये लगा देते हैं। देखिए बाकी का पीछे का हम इसको ग्लू गन से सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 9 नंबर हैक्स हमारा इस तरह कुछ बॉक्स बन के रेडी है, और इसमें अब हम क्या करेंगे, ये अपना जो भी छोटा मोटा सामान है वो। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है, ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल साइज में टी शर्ट आई है।
अब फ्रेंड 10 नंबर हैक्स के लिए ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे हेयर पिन और ये जैसे हमारी साड़ी पिन वगैरह छोटे क्लचर वगैरह ये भी इधर उधर रुलते फिरते हैं, तो इनके लिए भी परमानेंट एक जगह बनाते हैं। ये देखिए जैसे ये हमारी काजू कतली मिठाइयों स्वीट्स वगैरह के डब्बे भी संभाल के रखे हुए हैं, इनमें क्या करेंगे डबल साइड टेप इनके पीछे लगाएंगे और इधर आगे की साइड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये दिखने में गंदे भी नहीं लग रहे, छोटे छोटे स्वीट्स के बॉक्स हैं। तो इस तरह मैंने अपने ईयर रिंग्स भी इस पर डाल दिए, और ये देखिए जो ये हमारी टेप है डबल साइडेड, और हम अपनी पिंस वगैरह भी इसके ऐसे हैंग कर दिए, तो ये हमें मिल जाएंगी जैसे भी हम ड्रेसिंग के, और बीच में अड़ भी नहीं रहा फ्रेंड्स, बहुत छोटे बॉक्स हैं ये, देखिए अच्छे से प्रॉपर बंद हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हम अभी भी कुछ भी इस साइडों में छोटे छोटे क्लचर और भी हम पिंस वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये इयररिंग मैंने ऊपर टांग दिए, और भी हम इधर साइडों में जैसे कोई छोटे छोटे कुछ भी डबल साइड टेप वगैरह लगा के कुछ भी अटैच कर सकते हैं। मंगलसूत्र के क्लचर तो इसमें बहुत सारे चारों साइडों पे लग सकते हैं, इस तरह पिन और टेप लगा के अपना और भी इस पे हैंग कर सकते हैं। ये फ्रेश रैप का ये जो खाली वो होता है हमारा रैपर बाहर का, तो जब हम यूज कर लेते हैं तो इसको फेंक देते हैं, तो इसको भी मैंने देखिए डेकोरेट करके बैंगल बॉक्स बनाया था। पहले इसके अंदर हम कुछ भी अपना वो जो नहीं होता फ्रेश रैप का रोल का जो कार्डबोर्ड का, तो उसको मैंने अंदर ऐसे लंबा लगा के और वो बना दिया था क्या नाम है बैंगल बॉक्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजर था हमारा, देखिए ऐसे इसकी वीडियो भी डली हुई है। और बाद में फिर हम इसमें ना ये ऐसे छोटी मोटी आइटम भी रख सकते हैं, नेल पेंट वगैरह कुछ भी हमारी स्पंज वगैरह, ये देखिए सब हम इसमें रख सकते हैं। तो इतना अच्छा, ये देखिए इसको भी फेंके मत, और ये भी हमारा ऐसे एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। नंबर हैक्स हमारा ये है कि ये जो ये भी खाली बॉक्स है स्पून वगैरह के वो ये भी संभाल के रखे हुए हैं, ये अपने फुटवेयर वगैरह के बॉक्स है, तो इनको भी हम ऐसे कटिंग करके ऊपर की साइड से और ये भी हम ऐसे साइड में हैंग करेंगे ताकि हमारा छोटा मोटा सामान बचा हुआ इन पे भी रखा जाए। तो फ्रेंड्स 11 नंबर हैक हमारा ये है कि ये जैसे अपने स्वीट्स वगैरह के बॉक्स हैं तो उन पे मैंने ये वॉलपेपर हमने अटैच कर लिया है, ये देखिए, तो इसको ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। ये देखिए इधर रबड़ लगा दिए ताकि यहाँ से ये निकल ना पाए, और अब हम इन्हें अटैच कर देंगे अपनी दीवार के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसको भी ऐसे कट कर लेते हैं, और ये भी हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह हम इसको हैंग कर देंगे, तो उससे पहले हम इसे डेकोरेशन कर देते हैं थोड़ा डेकोरेट, और हम इसके साइडों में ग्लू गन से लैस लगा देते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए लेस वगैरह लग चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा। एक कार्डबोर्ड से, एक बॉक्स से खाली से बनाए हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये। यहाँ छोटे से यहाँ पे हमने मैंने पीछे कील लगा दी है और उसे अटैच कर दिया है। तो ये देखिए आप इसको अंदर से कलर कर सकते हो। मैंने बाहर से इसको ज़्यादा डेकोरेट किया है लेस वगैरह लगा के। अंदर एक छोटा स्वीट्स का डब्बा डेकोरेट करके रख दिया है। और ये देखिए कैंडल होल्डर्स रख दिए हैं हमने। तो कितना प्यारा लग रहा है। लास्ट हमारा हैक्स देखिए, ये कार्डबोर्ड मैंने पहले ही रेडी कर रखे हैं। इनको इनकी भी वीडियो डाली हुई है कि स्वीट्स के बॉक्स को हम किस तरह यूज़ करके अपनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो इनको इनके भी अब रह गया हमारा ड्रेसिंग के पास वाला ये वाला स्पेस। तो ये हमने बॉल हमारी पेंटिंग के तौर पे अच्छे लगेंगे। देखिए स्टाइल से मैंने डेकोरेट किया है, देखिए। और लेस वगैरह लगा के साइडों में ये ऐसे ही थे, इन पे कुछ पेंट वगैरह नहीं किया इनका। ये जो इन पे जो पहले ही हुआ हुआ है वो ही बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। तो मैंने इसके साथ ही लेस लगाई चारों तरफ, और अंदर ये पेंटिंग करके मैंने इसके साथ अटैच कर दी। तो ये तीन बॉक्स एक हमने यूज़ कर लिया, और ये तीन बचे हैं ये भी उसके साथ ही हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह तीन की लगा ली हैं। बस अब इन पे क्या करना है, सिंपली इन पे हैंग करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाली वाली वॉल हमारी खाली खाली सी लग रही थी। तो यहाँ पे हमने ऐसे इन बॉक्स से सीनरीज लगा दी। तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह हमने छोटे से ड्रेसिंग एरिया का मेकओवर कुछ इस तरह करा है, और साथ ही साथ हमने कुछ हैक्स भी करे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे हैक्स आपको कैसे लगे। और एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ इधर ये टावल वगैरह हैंग के लिए हमने ये लगा दी है। और इधर का देखिए थोड़ा कितनी इतना सा करने से ही हमने जो भी वेस्ट मटेरियल यूज किया और उससे देखिए हमारे छोटे से ड्रेसिंग एरिया को ना एक नया लुक मिल गया। तो इस तरह हमने फ्रेंड्स हम अपने घर को और अच्छे से ऐसे इन वेस्ट मटेरियल से डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय बाय फ्रेंड्स।